तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन टिचवर्ड में। तो आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे तैयार करें। तो वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमें जाना होगा अपने एक्सेल में। एक्सेल में जाने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा सीरियल नंबर। इसको लिखने के बाद आपको करना होगा इंटर। यहाँ पे लिखना होगा आपको वन। इसको करना होगा ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा एम्प्लॉय नेम। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा डबल क्लिक। यहाँ पे लिखना होगा नेम। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा डिजिग्नेशन। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा डबल क्लिक। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर लिखना होगा वन। इसको करना होगा ड्रैग 30 तक। यहाँ पे लिखना होगा संडे शॉर्टकट में। इसको भी करना होगा ड्रैग 30 तक। फिर आपको बैक आ जाना है। इसको करना होगा सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा अल्ट एच ओ आई। गाइस देख सकते हैं इसका साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमें जाना है इस वाले कॉलम पे। इसको करना होगा थोड़ा बड़ा हमें यहाँ से। इसको करना होगा सिलेक्ट। यहाँ से करना होगा मर्ज। यहाँ पे लिखना होगा मंथ।
अल्ट को दबाए रखना और प्रेस करना इंटर, यहाँ पे लिखना ईयर, अब इसको करना है मैं यहाँ से बड़ा इसका साइज थोड़ा। अब इस वाले कॉलम को हमें करना होगा सिलेक्ट, इसको भी करना होगा यहाँ से मर्ज, यहाँ पे लिखना है हमें अटेंडेंस सीट, इसका साइज भी हमें करना होगा थोड़ा यहाँ से बड़ा। इसको करना होगा साइड में हमें, इसका साइज करना होगा हमें फिर हमें यहाँ से छोटा। यहाँ पे हमें लिखना है एम्प्लॉई मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट, एम्प्लॉई इसको भी करना होगा यहां से हमें मर्ज, यहां पे लिखना होगा पी, प्रेजेंट, फिर लिखना होगा ए, अब्सेंट, फिर अल्ट को करना होगा, अल्ट को दबाए रखना है, इंटर प्रेस करना है आपको, यहाँ पे लिखना है हॉलीडे, इसका भी साइज हमें करना होगा यहाँ से थोड़ा बड़ा। अब इसको करना होगा हमें यहाँ से सिलेक्ट, इसको करना होगा बोल्ड, कंट्रोल बी, बोल्ड करने के बाद आपको इसका साइज थोड़ा यहाँ से छोटा करना है यहाँ से, इसका साइज भी मैं थोड़ा ऐसा बड़ा करना है इसका साइज। यहाँ पे आपको लिखना होगा पी, इसको करना होगा ड्रैग, फिर आपको लिखना होगा पी, इसको भी करना होगा ड्रैग, इसको करना होगा सिलेक्ट, यहाँ से करना होगा कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे करना होगा पेस्ट, कंट्रोल वी, फिर कॉपी पेस्ट करना है आपको, यहाँ पे पूरा फिल कर देना है यहाँ पे। इसके बाद हमको इसको करना होगा सिलेक्ट यहाँ से, इसको यहाँ पे हमें जाना है नंबर्स पे, यहाँ पे हमें जाना है फिल वाली ऑप्शन पे, यहाँ पे हमें कोई यहाँ से कलर ले लेना है, यहाँ पे यहाँ पे कोई स्टाइल ले लेना है आपको, यहाँ से भी आपको कलर चूज कर लेना है, करना ओके। अब इसको हमें यहाँ से करना होगा सिलेक्ट, इसको करना होगा यहाँ पे कलर वाइट, यहाँ पे क्लिक करना होगा हमें
प्रेजेंट को देना होगा हमें यहाँ पे ग्रीन कलर, एब्सेंट को हमें यहाँ देना होगा रेड कलर, हॉलीडे को हमें देना होगा येलो ब्लू कलर। इस वाले कॉलम के भी आपको करना होगा मर्ज। यहाँ पे आपको लिखना होगा यच, इसको करना होगा ड्रैग, इसको करना होगा कॉपी कंट्रोल सी, जहाँ पे संडे आपको वहाँ पे करना होगा पेस्ट, जहाँ पे आपको संडे वहाँ पे करना होगा पेस्ट। अब इस वाले ऑप्शन पे करना होगा क्लिक, आपको इसको करना होगा सिलेक्ट, यहाँ से इसका कलर देना होगा हमें ग्रीन, फिर इसको करना होगा सिलेक्ट, यहाँ पे इसका कलर देना होगा रेड, अब इसको करना होगा सिलेक्ट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा फॉर्मेट पेंटर, इस पर करना होगा डबल क्लिक, इसको करना होगा यहाँ से सिलेक्ट। देखिए गाइस यहाँ पे इसका कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुका है, हमें एक एक फिल नहीं करना पड़ा। इसको करना होगा यहाँ पे सिलेक्ट, इसको करना होगा कंट्रोल बी बोल्ड इस तरह से, अब फिर करना होगा संडे पे क्लिक, हमें यहाँ से इसका कलर हमें देना है यहाँ पे ब्लू, इसको करना होगा हमें कंट्रोल बी, इसको करना होगा हमें कंट्रोल, इस पर हमें करना होगा क्लिक फॉर्मेट पेंटर पे, यहाँ पे संडे वहाँ पे करना होगा क्लिक आपको, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना होगा फॉर्म, यहाँ पे लिखना होगा प्रेजेंट, यहाँ पे लिखना होगा एब्सेंट, यहाँ पे आपको लिखना होगा हॉलीडे, इसको करना होगा सिलेक्ट, इसको करना होगा थोड़ा ऊपर साइज को थोड़ा करना होगा बड़ा, यहाँ पे हमें इसका भी कलर हमें करना होगा यहाँ से चेंज, इसका येलो रहेगा, इसका रेड, इसका ग्रीन, इसको करना होगा इसको सिलेक्ट, करना होगा कंट्रोल बी, इसके बाद हमें लगाना होगा यहाँ पे फार्मूला इक्वल काउंट इफ, इसको करना होगा सिलेक्ट, यहाँ पे हमें लगाना होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट ऑफ, करना होगा इंटर, इसको करना होगा हमें ड्रैग, फिर सेम फार्मूला लगाना हमें यहाँ पे इक्वल काउंट इफ, फिर आपको सिलेक्ट करना होगा यही, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा ब्रेड कट ऑफ, करना होगा इंटर, इसको भी करना होगा ड्रैग हमें, फिर आपको फार्मूला लगाना है सेम उसी तरह इक्वल काउंट इफ, इसको करना होगा सिलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एच इन्वर्टेड कॉमा ब्रेकआउट ऑफ, करना होगा इंटर, इसको भी करना होगा ड्रैग, ड्रैग करने के बाद आपको इसको करना होगा सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्रेस करना होगा अल्ट एच बी ए, देख सकते हैं गाइस इस अटेंडेंस शीट में ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रेजेंट में 25 है, एब्सेंट में अभी फिलहाल तो 0 है, हॉलीडे में 5 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप संडे यहाँ पे 5 बार पड़ चुका है, 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे संडे पड़ चुका है, यहाँ पे 5 शो हो रहा है, अभी एब्सेंट में फिलहाल कोई नहीं है इसीलिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है, और प्रेजेंट में अभी 25 लोग हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एब्सेंट करके दिखाता हूँ, अभी एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हमें लिखना होगा ए और करना होगा इंटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे 1 शो करेगा, देख सकते हैं गाइस
अभी प्रेजेंट में 24 हो गए हैं, अब्सेंट में 1 हो चुके हैं। इसी तरह से आप फिर एक बार यहाँ पे आपको 1 लिखना है, ए लिखना है यहाँ पे, फिर करना होगा इंटर। आप देख सकते हैं अब्सेंट में 2 हो चुके हैं और प्रेजेंट में 23 हो चुके हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए मिलते हैं आपको।